हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, गणित का जो वायरल पेपर है ये फ्रेंड्स यहाँ पे मिल चुका है, जो आप सभी के लिए 2023 में चल रहे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है। फ्रेंड्स, प्रत्येक स्कूल में इसी प्रकार का पेपर आ रहा है, इस पेपर को यहाँ पे आप पढ़ के ज़रूर जाइए। फ्रेंड्स, जो आपका गणित का पेपर है टोटल नंबर 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको नोट जो दिया रहेगा फ्रेंड्स स्टार्टिंग में, इस नोट को जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए नोट में क्या लिखा है कि खंड का जो है इसमें 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा और खंड खा जो है इसमें 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को खंड का के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराते हैं और आपका जो वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेगा, उसको आपको बताएंगे कैसे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में या अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपका पहला सवाल आपका स्टार्ट होता है। प्रत्येक प्रश्न आपका रहेगा एक नंबर का रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न जो आता है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, आपको ऐसे इसमें ऑप्शन दिया है कि उसमें से आपको अभाज्य संख्या बताना है। ऑप्शन है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 8 होगा। देखिए फिर पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है और किसी संख्या से नहीं कटती, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 देखिए आपका स्वयं 2 से कटेगा और अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसके अलावा 3 ले लीजिए, इसके अलावा 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, डॉट 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 अनंत तक इसी तरह चलेगा। ऐसी संख्या आपको बताना है जो स्वयं से कटे। देखिए फ्रेंड्स 2 ऐसी संख्या है, ये आपका अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब सवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए 8 जो है 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, इसलिए इसे अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। क्यों नहीं रखा जा सकता फ्रेंड्स? इसलिए नहीं रखा जाता है कि इसमें क्या होता है आपका दूसरी संख्या से भी कटती रहती है, ठीक है। अभाज्य संख्या आपका क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म 6x-7y=1 तथा 3x-4y=5 के हल है, मतलब आपको बताना है कि इसका हल कैसा होगा। अद्वितीय हल होगा, दो हल होंगे, अनंत हल होंगे या कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप लगाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, देखिए आपको 6x-7y=1, 3x-4y=5, इसका जब अनुपात निकालेंगे, यक्स यक्स का अनुपात निकालिए, यानी 6 बटा कितना हो जाएगा, 3 होगा ना, इसी के साथ बराबर 7 बटा कितना लिखेंगे, -7/-4 लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पे 1/5 लिख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये जब देखिए ये क्या है, माइनस माइनस कट जाए, 6/3, 7/4 और 1/5। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 6/3 और 7/4, ये पहला पद जो होता है ये आपका बराबर नहीं होगा यहाँ पे ना, ये पहला जो आपका बराबर नहीं होता है, तो ये बोलते हैं कि इसका मान जो हल होगा अद्वितीय हल होगा, तो इसका सही जवाब अवला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, अवला करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर का क्या है आपका कि टेन ए बराबर कड़ी में 3, टेन बी बराबर 1/3 हो, तो टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को आप हल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए टेन ए कितना दिया, कड़ी में 3 ना, तो आपको बताना है कि टेन ए कड़ी 3 का मान टेन के रूप में कितना का होता है, तो टेन 60 अंश का होता है। टेन से टेन हर जगह, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश होगा, ए का मान पता चल गया आपको। इसी तरह टेन बी का देखिए, टेन बी बराबर कितना दिया, 1/3 दिया है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बताइए आप टेन बी जो 1/3 है कितने का मान टेन के रूप में 1/3 को होता है, तो आप सभी को याद हो गया होगा फ्रेंड्स अभी तक, या टेन कितने का होता है, 30 अंश का। टेन से टेन हटेगा, बी का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश। यानी देखिए अब टेन ए प्लस बी पूछ रहा है, तो टेन ए प्लस बी ठीक है, टेन ए का मान 60, बी का मान 30, ये हो जाएगा टेन कितना, 3690 अंश। और टेन 90 अंश का मान फ्रेंड्स कितना होता है, टेन 90 अंश का मान फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। इसमें सही जवाब द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यक्स स्क्वायर माइनस 1/9 = 0 हो, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ यक्स बराबर 1/9 को पक्षांतर करेंगे, इस साइड से प्लस में आ जाएगा 1/9, और यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर हटाने के लिए पता है फ्रेंड्स कि दोनों पक्षों को वर्गमूल लेते हैं, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, और वर्गमूल हमेशा फ्रेंड्स प्लस माइनस में आता है, तो यक्स का मान कितना है, +-1/3। इसका सही जवाब सवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं, इसको ट्रिक से लगा सकते हैं। देखिए क्या है, मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों आपस में बराबर रहेगा। तो सूर्य का हमेशा उन्नयन कोण बनता है 45 अंश का बनता है। इसको डायरेक्ट आप याद रखिए, कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का। इसका सही जवाब दो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्या आपका कि 2 cos 3θ बराबर कड़ी में 3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको बताएं कि देखिए यह 2 cos 3θ बराबर कितना, कड़ी में 3 है ना, तो अभी आप क्या कीजिए, cos 3θ 2 को पक्षांतर करेंगे तो कड़ी में 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए फ्रेंड्स, cos 3θ बराबर यह कास के रूप में कड़ी 3/2 किसका मान होता है, तो आपको पता है कि कास 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। कास से कास हटेगा तो 3θ बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश होगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30/3। तो थीटा बराबर 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा ना, तो कितना आया, 10 अंश आया। इस प्रकार से प्रश्नों को लगाना रहेगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने 7वां नंबर का सवाल है। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, ये आपके लिए एक नया सवाल है, ठीक है। देखिए क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, यनवा पद 33 है तथा प्रथम यन पदों का योगफल 123 है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को लगाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में पदों का योगफल वाला फार्मूला क्या होता है। देखिए योगफल का फार्मूला को यस यन से दिखाते हैं। योगफल फार्मूला यह होता है और यन बाई 2 कोष्ठ में प्रथम पद और यनवा पद, एन का मतलब होता है कि यनवा पद आपका कौन है। ये फार्मूला होता है, ये याद रहेगा तभी इस सवाल को आप लगा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पदों का योगफल कितना दिया है, 123 दिया है, तो 123 रख लीजिए। अब यहाँ पे यन का मान तो पता नहीं है, तो यन बाई 2 रहने दीजिए। प्रथम पद कितना दिया, 8 है, तो 8 कर लीजिए, प्लस एन मतलब होता है कि यनवा पद, यनवा पद कितना दिया है, 33 दिया, तो 33 कर लीजिए। यहाँ पर हुआ 123 यन बटा के 2 गुड़े, अब 8 और 33 को जोड़ लीजिए, देखिए 8 3 11 होगा और 3 1 4 41 हो जाएगा, कितना होगा फ्रेंड्स, 41। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, पक्षांतर कीजिए। देखिए 123 और ये 2 का इधर गुणा कर ले, देखिए 123 हुआ और बटा 41 को पक्षांतर के 41 होगा, यन बाई 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितने बार, 3 × 3 3 × 4 12 41 के 41 और 3 बार में कट जाएगा। अब 2 का गुणा, 3 गुणा करेंगे ना, 2 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। यन का मान कितना आया आपका, 6 आ गया ना, तो अब यहाँ यन का मान आपका 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यन का मान 6 आने के बाद अब पूछ रहा है डी का मान। डी को कहते हैं सर्व अंतर, तो इसका भी फार्मूला एक फ्रेंड्स होता है, देखिए उसको कैसे लगाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यनवा पद मतलब होता है, देखिए यनवा पद मतलब एन बराबर फार्मूला होता है आपका कि ए प्लस कोष्ट में यन माइनस 1 इंटू डी, ये यनवा पद का होता है। देखिए फ्रेंड्स, यनवा पद यहाँ पे कितना दिया है, यनवा पद दिया है 33, यहाँ पर रखिएगा 33 रख लीजिए। प्रथम पद कितना दिया है फ्रेंड्स, प्रथम पद चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, प्रथम पद 8 दिया है तो 8 कर लीजिए, प्लस यन का मान कितना आया, 6 आया, तो 6 माइनस 1 कर लीजिए, और डी का मान पूछ रहे थे, डी रहने दीजिए। 8 को पक्षांतर कीजिएगा फ्रेंड्स, जब 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 33 - 8 हो जाएगा और 6 में से 1 गया तो 5d हो जाएगा। 33 में से 8 घटा लीजिए, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, 33 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 25, और 25 बराबर 5d, 5 को पक्षांतर कीजिए, 25/5 हो जाएगा और डी हो जाएगा, 5 × 5 = 25, तो डी का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 5 आ गया ना। तो इस तरह से लगाना था फ्रेंड्स, तो इस तरह देखिए बहुविकल्पी प्रश्न था, इसीलिए आपको ऐसे लगाएं। आप डिटेल में उतारना चाहें तो ऐसे उतारिएगा, फिर इसको उतारिए, फिर इसके बाद इसको हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ डी का मान, 5, तो इस प्रश्न का सही जवाब अ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सभी प्रश्नों का आंसर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं यस। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है और इसे कैसे आप लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को लगाने का तरीका बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कह रहे वाई अक्ष पर वह बिंदु होगा जो ए 6.5 है, एंड ये कि एंड मतलब और है, इसका मतलब यहाँ हिंदी में क्या होगा, और बी दिया है हमारे 4.3 से सम दूरस्थ है, यानी समान दूरी पे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब इसे रेखा खींचेंगे ना, तो देखिए ये ए मान लीजिए और ये बी, और मान लीजिए इसी पे बिंदु वाई स्थित है, तो वाई देख लीजिए क्या, मान लीजिए यहाँ पे वाई है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए इस बिंदु का नाम पी है, तो वाई अक्ष पे जब बिंदु है तो इसका मतलब यक्स का मान उस समय 0 होता है, तो यक्स को मान 0 लीजिएगा और वाई रख लीजिए, यानी इसका निर्देशांक कितना होगा, 0.y। अब यहाँ ए का दिया है 6.5 और इसका दिया है -4.3। अब देखिए फ्रेंड्स, सम दूरस्थ है, यानी इसके देखिए ए पी के बीच की दूरी बराबर होगा,
पीबी के बीच की दूरी यानी एपी और पीबी बराबर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दो बिंदु के बीच की दूरी का आपको फार्मूला पता होगा कि एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर होता है प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला फ्रेंड्स आप इस सवाल को लगाना है आपको। एपी मतलब देखिए आपका ये फार्मूला लगेगा, ये आपका एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, ठीक। यहाँ पे एक्स थ्री मान लीजिए, वाई थ्री। अब क्रम से रखिएगा मान, देखिए छः में से जीरो घटाए, छः माइनस जीरो का होल स्क्वायर कीजिए, एक्स में से एक्स वाला घटा दीजिए प्लस, अब पाँच में से क्या करेंगे वाई वाला घटा दीजिएगा, ये स्क्वायर कर लीजिए और बराबर। यहाँ पे देखिए अब जीरो में से ये घटाइए, जीरो माइनस, देखिए फार्मूला में एक्स वन माइनस एक्स टू यानी इसमें से इसको घटाएंगे, एक्स में से एक्स घटाइए, देखिए माइनस प्लस तो माइनस माइनस क्या कर देगा, इसे प्लस कर देगा, होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस। अब क्या कीजिए, y2 माइनस वाई थ्री कीजिए, y माइनस तीन कर लीजिए और इसी को हल कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इधर भी करें तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये कड़ी हट जाता है। देखिए छः में से जीरो का छः यानी छः का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये पाँच माइनस वाई का स्क्वायर रहने दीजिए। अभी ये देखिए ये चार का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा वाई माइनस तीन का स्क्वायर, तो स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि इसका विस्तार करना, छः का स्क्वायर, छः का स्क्वायर करेंगे कितना होगा छत्तीस, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका ए माइनस बी पर होल स्क्वायर पे विस्तार कीजिए। देखिए ए का स्क्वायर मतलब पच्चीस हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी, पाँच दुना के दस वाई हो जाएगा, इतना स्क्वायर हुआ। देखिए इसका चार का स्क्वायर करें, चार चौके सोलह, इसका विस्तार कीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का मतलब तितली के नौ हो जाएगा माइनस तीन दुना के छः वाई, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पर इसका विस्तार किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। अब अक्षर वाला देखिए अंक को पहले जोड़ लीजिए, देखिए छः पाँच ग्यारह होगा, तीन दो पाँच छः हो जाएगा, देखिए छः पाँच ग्यारह, तीन दो पाँच छः हो गया और माइनस दस वाई हो जाएगा बराबर। इसी तरह इधर जोड़ सोलह में नौ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा ना, और माइनस छः वाई। अब अक्षर को एक साइड और अंक को एक साइड कर लीजिए तो माइनस दस वाई इधर है, इसको पछांतर करेंगे प्लस छः वाई हो जाएगा। इसी तरह ये 25 से पच्छांतर करेंगे तो माइनस इकसठ हो जाएगा। अब घटाए तो माइनस चार वाई बचेगा, इसको घटाइए, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचेगा आपका 4, 5 5 में से 2 गया 3, ठीक है, और माइनस ये 36, तो वाई से वाई कट जाएगा। यहाँ पे देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा 36, और गुणा में पच्छांतर करेंगे 4 हो जाएगा, तो वाई बराबर 4 के 4 9 36, तो वाई का मान कितना आया 9 ना। तो इस प्रकार से इस सवाल को लगाना है फ्रेंड्स, तो कितना आया वाई का मान 9। तो इस तरह आपका 0 का मान वाई है, एक्स का निशान कितना 0 और वाई का मान कितना है 9, तो कितना आएगा इसका आंसर 0 का मान 9। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 0 का मान कहाँ पर दिया है, द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को लगाना था फ्रेंड्स। अब अगला नंबर का फ्रेंड्स सवाल देखिए क्या है, यदि एक वृत्त के व्यास की सिरों के निर्देशांक क्रमशः 1.5 और 7.13 हो तब उसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्या हुआ, वृत्त हुआ और ये व्यास हुआ, तो वृत्त के व्यास की सिरों का निर्देशांक दिया है। तो देखिए इधर मान लीजिए 1.5 है और इधर कितना है 7.13 है और यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो पहले ये दो बिंदु के बीच की दूरी से निकाल के व्यास निकाल लीजिए, तो यहाँ व्यास बराबर क्या होगा, अभी फ्रेंड्स आपको फार्मूला लिखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब यक्स में से यक्स, देखिए यक्स वन हुआ, ये वाई वन हुआ इधर वाला, ये इधर यक्स टू हुआ, इधर वाला वाई टू हुआ। देखिए यक्स वन में से यक्स टू घटेंगे यानी एक में से सात घटेंगे, एक माइनस सात होगा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाँच में से तेरह घटेंगे तो पाँच माइनस तेरह हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को बस हल करना है आपको, देखिए घटाएंगे तो माइनस छः का स्क्वायर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आठ माइनस आठ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छः का स्क्वायर 36 होगा और आठ का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल पता है कि 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास कितना आया फ्रेंड्स 10, आपको त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा यानी कि दो कर दीजिए 5, यानी कितना आएगा आंसर 5, ठीक है। तब त्रिज्या आपका कितना आया 5, इसमें ऑप्शन में देखिए 5 दिया क्या यहाँ पे है, तो 5 दिया आपका यहाँ पे, ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, नौवां नंबर का तो हो गया, दसवां नंबर का देखिए, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 10 में y बराबर 5 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें समीकरण में जो दिया है आपको y का मान पता है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, इस सवाल को देखिए कैसे लगाना है आपको, 3x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 10, यहाँ पे y की जगह पे 5 रखिए, तो 3x 2 गुणे y की जगह पे 5 रख लीजिए, यहाँ पे हुआ 10,
तीन एक्स पाँच के दो में करेंगे दस हो जाएगा, ये दस हुआ ठीक है। तीन एक्स ये दस दस कीजिए, दस को पच्छांतर माइनस दस, तीन एक्स बराबर दस में से दस गया जीरो, यक्स बराबर जीरो बटा के तीन, यक्स बराबर कितना हो जाएगा जीरो, यक्स का मान कितना आया आपका जीरो आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बबल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स सवाल आपका क्या है कि द्विघात समीकरण दो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक बराबर जीरो के मूल होंगे, यानी कि आपको बताना है कि इसमें मूल कैसा होगा, आपको वास्तविक होगा कि क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल को आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये होता है आपका मूल जब ज्ञात करना होगा ना कि पता करना कि वास्तविक है क्या है, तो आप यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालिएगा ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये ए का मान होता है पहला, ये बी का होता है, ये सी का होता है, क्रम से इसी प्रकार से होते हैं। तो बी का मान कितना है माइनस चार, तो माइनस चार का स्क्वायर रखिएगा, माइनस चार गुणे ए का मान कितना है, देखिए ए का मान दो है, सी का मान कितना एक। अब इसी को हल करना है, देखिए चार के स्क्वायर करेंगे चार चौके सोलह, माइनस चार दुना के आठ, घटाएंगे सोलह में साठ तो कितना हो जाएगा आठ। देखिए फ्रेंड्स जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जो होता है आठ, और किस में आया है धनात्मक आया ना, जब धनात्मक होता है तो मूल जो होता है वास्तविक होता है, कैसा होता है वास्तविक होता है और भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग मान आता है ठीक है। यह कंडीशन होता है, सभी कंडीशन आप सभी को पढ़ाएं, वो कंडीशन पे आप देखिएगा वास्तविक और भिन्न भिन्न होता है, इसका सही जवाब ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ पे हल कराते हैं। वन माइनस टेन स्क्वायर पचास अंश अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर पैंतालीस अंश। फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पचास अंश नहीं होगा, यहाँ पे आपको कितना होगा पैंतालीस अंश होगा। वन माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस अंश, वन प्लस टेन स्क्वायर पैंतालीस अंश, ये सवाल आपका मिस्टेक है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल को लगाना है तो कैसे लगाएंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस अंश अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर पैंतालीस अंश। अब देखिए फ्रेंड्स वन माइनस टेन पैंतालीस अंश का मान पता है कि आपका एक होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लीजिए। वन प्लस टेन पैंतालीस अंश का मान एक का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स एक माइनस एक का स्क्वायर एक ही होगा अपॉन एक प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा। अब फ्रेंड्स एक में से एक गया जीरो और एक एक कितना होगा दो, दो का भाग जीरो में देंगे तो जीरो। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे आपका जीरो दिया है तो कहीं पे नहीं दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने का मान ये जीरो होता है। तो फ्रेंड्स देखिए साइन नब्बे अंश का मान एक होता है, टेन नब्बे अंश का मान आपका अनंत होता है, साइन पैंतालीस अंश का मान एक बटा कर दो होता है, लेकिन कास नब्बे अंश का मान कितना होता है जीरो। ये सभी आपको याद होगा फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना ऑप्शन कैसे लगाना है आपको। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है पाँच, सार्वांतर, देखिए प्रथम पद का देने का मतलब ए का मान दिया है, सार्वांतर दिया है डी का मान दिया है, यहाँ सातवां पद पूछ रहा है कि सातवां पद आपका क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, तो फ्रेंड्स समांतर श्रेणी में जब सातवां पद मतलब होता है यनवां पद, यनवां पद का फार्मूला होता है आपका कि ए एन बराबर फार्मूला होता है कि ए प्लस मतलब प्रथम पद प्लस कोष्ट में एन माइनस वन इंटू डी। सातवां पूछ रहा है तो लिखेंगे ए सेवन, मतलब सातवां रहेगा तो सात लिखिएगा, ए का मान कितना दिया है पाँच प्लस एन का मान जो यहाँ ए एन एन की जगह कितना रखा गया सात, तो यहाँ सात और माइनस एक हो जाएगा, और डी का मतलब सर्वांतर मतलब डी का मान तो माइनस तीन है तो माइनस तीन। अब इसी को हल करना है फ्रेंड, देखिए पाँच प्लस सात में से एक गया छः गुणे माइनस तीन, यहाँ पर हो जाएगा पाँच प्लस छत्तीस अट्ठारह, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो छत्तीस अट्ठारह। अब घटा लीजिए तो अट्ठारह में से घटाए तो कितना हो जाएगा तेरह, वो कितना हो जाएगा माइनस तेरह। माइनस प्लस का फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल लगाते समय ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए माइनस तेरह भी दिया है प्लस तेरह, आपका आंसर आया है माइनस में, तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, इस सवाल को आपको कैसे लगाना बताते हैं। दो सौ बावन व पाँच सौ पंचानवे का एच सी एफ अट्ठारह है, तो दो सौ बावन और पाँच सौ पंचानवे का एल सी एम होगा। देखिए फ्रेंड इस सवाल इस प्रकार के जब सवाल आपको मिले तो इसका फार्मूला हो तो ये याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या, देखिए ये पढ़ाए भी हैं आप लोगों को, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम होता है, क्या होता है एच सी एफ गुणे एल सी एम, ये फार्मूला होता है। पहली संख्या का मतलब कितना दिया है दो सौ बावन दिया है तो दो सौ बावन कर लीजिए गुणा, दूसरी संख्या पाँच सौ पंचानवे दिया है तो पाँच सौ पंचानवे कर लीजिए, चौरानवे है ना पाँच सौ चौरानवे तो पाँच सौ चौरानवे कीजिए। एच सी एफ दिया है आपका अट्ठारह और एल सी एम पूछ रहे थे एल सी एम, अब क्या कीजिए अट्ठारह को पच्छांतर करेंगे तो दो सौ बावन गुणे पाँच सौ चौरानवे और बटा के अट्ठारह,
हो गए एलसीएम, क्या हो गए एलसीएम। अब इसी को आपको हल करना है फ्रेंड, जितना जल्दी आप इसको हल कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए दूनवा 18, दू एक एम दू, दू दुना के 4, दू छका 12 और 9 का फ्रेंड्स कटाई 9 से। देखिए 9 एक एम 9 और 9 चौको 36, देखिए 9 एक एम 9, 9 एक एम 9, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौको 36, कुल मिला के आपका आया 14 × 594। अब इसमें फ्रेंड्स 14 का गुणा करना है आपको, 14 का गुणा जितना जल्दी कर सकते हैं उतना तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो आप गुणा कर लीजिएगा, इसका आएगा गुणा करने के बाद 83 16 आएगा, कितना आएगा 83 16, एलसीएम आपका कितना होगा 83 16, इसका सही जवाब सब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल क्या है, 15वां नंबर का, कि एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द्विघात लिखा है ना, द्विघात जब लिखा रहेगा उसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा, तो द्विघात में शून्यकों की संख्या हमेशा याद रखिएगा कि 2 होता है, द्विघात मतलब होता है 2, और जितना यह घात रहेगा उतने ही सबसे ज़्यादा उसकी शून्यकों की संख्या आएगी। द्विघात में शून्यकों की संख्या कितना होगा 2, तो इसका सही जवाब ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब देखिए फ्रेंड्स 16वां नंबर का सवाल क्या है, कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल को आपको लगाना कैसे, यहाँ पे देखिएगा जब इस सवाल में देखेंगे तो 9 इसमें भी है 9 इसमें, दोनों में से 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ले लिए कॉमन। अब फ्रेंड्स एक चीज़ याद रहेगा तभी आप इस सवाल को लगा सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान आपको लिखवाया था कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर रखिए 1 और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा, इसका सही जवाब क्या होगा आपका ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से इस सवाल को लगाना था। अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल आपका क्या है, कि एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 7.5, 5.7, -3.3 है तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए केंद्रक का निर्देशांक पूछा है, यहाँ पे आपका देखिए सवाल लगाते हैं पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से क्या दिया है त्रिभुज दिया है, ठीक है, त्रिभुज देने के बाद इसका निर्देशांक दिया है 7.5 और ये दिया है 5.7, यहाँ पे दिया है -3.3। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स बहुत सिंपल सवाल है, यहाँ पे इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा केंद्रक का निर्देशांक अब देखिए केंद्रक का निर्देशांक फार्मूला होता है आपका कि x1 + x2 + x3 और बटा के 3, देखिए 3 को आना तो यहाँ पर 3 लीजिएगा, x1 + x2 + x3 / 3 कामा y1 + y2 + y3 / 3 और इस तरह कोष्टक बंद कर लीजिएगा। अब क्रम से x1 x2 x3 का मान यहाँ पर रख लीजिए, x1 का मान देखिए 7 + 5, देखिए -3 है तो -3 कर लीजिए और बटा के 2 कर लीजिए कामा, y1 का मान 5 7, y3 का मान +3 है तो 3 कर लीजिए और इस तरह बटा के 3 कर लीजिए और कोष्टक बंद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसको हल करेंगे तो 7 5 12 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 9 यहाँ पे 3 है फ्रेंड्स, 9 बटा के 3 कर लीजिए, 9 बटा के 3 का मान 7 5 12 3 15, 15 बटा के 3 कर लीजिए। अब इसको कटा लीजिए, 3 से कटेगा कितने बार, 3 बार में, 3 से कितने बार, 5 बार में, तो 3.5 आएगा। इस प्रकार के सवाल को ऐसे आपको लगाना था, इसका सही जवाब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा आपका, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया 3.5 कहाँ पे दिया है, तो 3.5 है, 3.5 जब देखेंगे यहाँ पे तो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया ना इस सवाल को आपको कैसे लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर 18वां नंबर का सवाल जो है, अब इस सवाल को आपको कैसे लगाना बताते हैं। यहाँ पे दिया है कि 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जब मूल बराबर या मूलों की संख्या या मूल ज्ञात करना रहता है तो उसमें आपका a का मान ये होता है, b का मान ये, c का मान ये, जब मूल बराबर होता है तो उसका कंडीशन होता है कि b² - 4ac बराबर कितना होता है 0 के बराबर होता है। b का मान -12 दिया, -12 के स्क्वायर कर लीजिए, -4 × a का मान कितना दिया 3 और c का मान कितना दिया m, तो m कर लीजिए और बराबर 0, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, -4 × 12 m हो जाएगा और बराबर 0। देखिए 144 को रहने दीजिए, ये माइनस है तो 95 करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 12 m हो जाएगा। m का मान ज्ञात करना है तो 12 को 95 कीजिए तो 144 / 12 m बराबर, और 12 से कितने बार में कटता है 12 बार में, तो m का मान कितना आया 12, m का मान फ्रेंड्स आ गया 12। अब देखिए 12 दिया कहाँ पे ऑप्शन में, तो फ्रेंड्स ये द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब देखिए फ्रेंड्स आपका अगला नंबर का सवाल आता है
कि ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं, तो कोण ए का मान दिया 57 और कोण ई का मान दिया है 75, तो कोण सी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण तीन कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो इसका मतलब हुआ कि कोण ए का मान 57 है और कोण सी का मान कितना है। देखिए यहाँ आप लिखिएगा कोण ए प्लस कोण ई प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश। ए का मान रख लीजिए कितना है आपका 57, अभी दिखाएं। ई का मान कितना है 75 और सी का मान पूछ रहा है 180 कर लीजिए। ठीक है अब इसको जोड़ लीजिए 5 5 10 7 5 11 12, ठीक है 120 अंश। देख लीजिए एक बार जोड़ लीजिए 5 5 10, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक हो गया है। देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 होगा, हासिल 1 और 7 5 12 1 13 और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यहाँ पे कोण सी बराबर 180, 132 को 5 6 कीजिए माइनस 32 होगा, अब घटा लीजिए 10 में से 2 गया 8 होगा, 7 बचेगा 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, कितना होगा 4। तो कितना है कोण सी का मान 48 अंश। इसमें 48 देखिए कहाँ पे दिया, इसका 100 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो इस प्रकार से सवालों को लगाना है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए आपका 20वां नंबर का क्या है कि साइन स्क्वायर 42 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 42 अंश का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है आप सभी को पता है कितना होता है 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 42 दिया है 42, यानी ये थीटा का मान दोनों बराबर है ना, जब ये बराबर रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होता है 1 होता है। इसका सही जवाब सब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको लगाना ही नहीं था, यहाँ पे जब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे कोण यदि आपका बराबर है तो उस समय आपका जो मान होगा सीधे कितना होगा 1 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, आपको खंड ख के जो सभी खंड प्रत्येक दो नंबर का सभी प्रश्न आपको बताते हैं कि कैसा प्रश्न है। देखिए द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है, इस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा। ठीक है इस हर प्रश्नों को अब यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं आपके। ठीक है खा देखिए बिंदु ए का दिया 1.3, बी का दिया है माने 4.6 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:1 के अनुपात में है, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिए फ्रेंड जितने भी प्रश्न आपको यहाँ बता रहे हैं सभी प्रश्न आप सभी को हल करा लिए करा दिया गया है ना, ये सभी प्रश्न आप जाके प्लेलिस्ट से देख भी सकते हैं और सभी को आपको बहुत डिटेल में सभी प्रश्नों को कराए हैं। अगला देखिए ग वाला क्या है, यक्स तथा वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु यक्स कमा वाई और बिंदु 3.6 और माने 3.4 से सम दूरी यानी समान दूरी वाला अभी फार्मूला लगा के आप सभी को बताए थे। घ वाला सिद्ध कीजिए कि 2 - 5 एक परिमेय संख्या है। ये फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न क्या है, यहाँ पे परिमेय नहीं फ्रेंड्स अपरिमेय होना चाहिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, अपरिमेय होना चाहिए। देखिए काश कड़ी में 3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए, ये भी प्रश्न आपको बताएं कैसे हल करना है। सभी प्रश्न देख लीजिए, इन प्रश्नों को हल कीजिएगा, यदि आपको इन सब का आंसर नहीं आता है नहीं हल कर पाते तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए दूसरा क्या है कि नहीं 5 खंडों को हल करना है जो आपके प्रत्येक 4 अंक के रहेंगे। क्या है देखिए सिद्ध कीजिए कि 1 + sin a / 1 - sin a बराबर sec a + tan a² ये प्रश्न आप सभी को करा चुके हैं। ख वाला समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डॉट दिया इसके आगे और संख्या है कि कितने पद लिए जाएँ ताकि उनका योग 78 हो जाए, ये भी प्रश्न आपको कराए हैं और ये सभी प्रश्नों का आपको हल करना है। ठीक है सभी प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार का हाफ ईयरली हुआ चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो इसी प्रकार के एकदम सवाल पूछे जाएंगे आपसे। x²-7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है, पहले मूल अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है फिर अपोजिट करके उसका मान ज्ञात करना है। अगला है कि 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से संख्या ज्ञात करना है। अगला है कि 60 मीटर ऊंचे मकान के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के ठीक है पाद के अनुमान कोण 30 अंश 60 अंश मीनार की ऊंचाई, ये सभी सवाल आपको करा दिए हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स क का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है, यह भी आपको हल करने का तरीका बता चुके हैं। अगला देखिए बिंदु माने 4.6 बिंदु माने 6.10 और 3.8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 6 नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न आरद कीजिए नहीं तो अथवा दिया आपका 3/x + 2/y = 11 दिया है या 4/x - 5/y = 7 को हल कीजिए, ये 6 नंबर का ही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में फ्रेंड्स आता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर का क्या है
कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आपको हल करना है। अथवा में दिया यह प्रश्न आ रहा है कीजिए, नहीं तो इस सवाल को आप हल करने का तरीका जानिए। ए का दिया है 5.-1, बी का दिया है -3.-2 तथा सी का दिया है -1.8। त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो शीर्ष ABC से जाने वाली माध्यिका की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ये 7 नंबर का प्रश्न है। ये और ये इसको लगाते हैं 7 नंबर या इसको लगाते, दोनों में से किसी एक को करेंगे तो 7 नंबर आपको मिलेगा। अगला है त्रिभुज ABC में कोण B = 90 अंश, यदि tan A का मान दिया 1/3 हो तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए, 7 नंबर का है। अथवा दिया है कि समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड देखिए, ये सभी प्रश्न आपको करा चुके हैं। इन सभी प्रश्नों का आप तैयार करके ही, आप हाफ ईयरली हो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इसको आप तैयार करके बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएं या हाफ ईयरली का एग्ज़ाम देने जाएं, यही सभी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी प्रकार का पेपर आप सभी को हल कराते रहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।